दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को खतरनाक खिलाड़ी मानते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में शुभमन गिल जब 98 के स्कोर पर खेल रहे थे, तभी हार्दिक पांड्या ने आंखों से ऐसा ऐसे शुभमन गिल देख हैरान हो गए और उन्होंने अपने बयान में बता दिया मैन ऑफ द सीरीज मिलते ही। उन्होंने अपने बयान में ऐसा कुछ कहा इसके लिए हर कोई दंग रह गया। दोस्तों, मैं आपको बताएंगे हार्दिक पांड्या ने शुभमन गिल के कान में क्या कहा था जब 98 के स्कोर पर शुभमन गिल खेल रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आप उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने इतनी बेहतरीन वापसी की है जिसे देख हर कोई तंग रहा, क्योंकि टीम इंडिया पहला T20 मैच हारने के बाद दूसरा T20 मैच जीत गई। दोस्तों, तीसरा T20 मैच इतना खास हुआ जिसे देखने के लिए सचिन तेंदुलकर और BCCI का खुद देखने के लिए पहुँच गए। दोस्तों, इतना खास टीम देखने के लिए इतने बड़े खिलाड़ी गए और इतने दिग्गज गए। सचिन तेंदुलकर भी क्रिकेट के महात्मा कहे जाने वाले खिलाड़ी भी गए। दोस्तों, जिसके लिए अहमदाबाद में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 166 रन के स्कोर पर जीत लिया है। दोस्तों, टीम इंडिया ने 66 रन पर ही न्यूजीलैंड को हरी कर लिया था, जिसमें टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए शुभमन गिल ने 126 रन की पारी खेली, जो शुभमन गिल ने मात्र 25 से 26 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उसके बाद शुभमन गिल ने अपने 50 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया था। दोस्तों, उसके बाद शुभमन गिल ने 63 गेंदों में 26 रन की पारी, जिसमें 7 चुंबी छक्के शामिल हैं। दोस्तों, मैं आपको बताएं मैं इतना खास था, न्यूजीलैंड टीम ने शुभमन गिल के स्कोर को भी नहीं पार कर पाए। शुभमन गिल का 126 का स्कोर भी न्यूजीलैंड टीम नहीं पार कर पाई, मात्र 66 रन पर हरी हो गई, जिसमें सबसे ज़्यादा रन शुभमन गिल ने बनाया। टीम इंडिया का सबसे ज़्यादा विकेट हार्दिक पांड्या ने 4 विकेट और हर्षदीप सिंह ने 4 विकेट चटकाए। दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने को बताया शुभमन गिल के बारे में। दोस्तों, शुभमन गिल ने बताया कि जब मैं 99 के स्कोर पर खेल रहा था तो हार्दिक पांड्या ने मुझसे कहा कि तुम इसी गेंद पर ही शतक पूरा कर लोगे अपना। तभी मैंने देखा तो मैंने एक चौका जड़ा और मैं शतक पूरा गया। दोस्तों, मैं हार्दिक पांड्या को बहुत अच्छा खिलाड़ी मानता हूँ। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं।